Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, आज आपका business study का paper था. We hope आपका paper बहुत अच्छा हुआ होगा. Guys, आप paper जैसा भी हो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब आप कोई change उसमें नहीं कर सकते. Guys, अब आपको next focus करना है अपने accounts के ऊपर कि accounts में किस तरीके से आप बहुत अच्छे marks ले सकते हो. अगर आप चाहते हो आपके बहुत अच्छे marks आए, 80 out of 80 आए, तो गाइज हमने आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लान तैयार किया है. अगर आप उस प्लान के तहत चलते हो, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो, मैं श्योर करता हूं आप डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 ले पाओगे. वो प्लान क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले गाइज मैं एक बात और बताना चाहूंगा. मैं वीडियो के एंड में एक ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो यूजली बच्चे गलतियां करते हैं, और वो गलतियां आपको नहीं करनी है अभी से आज से ही वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो गलतियां करोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाए. तो आपको एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है. तो सबसे पहले मैं आपको प्लान बताऊंगा, फिर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है वो बताऊंगा. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट. तो देखिए हमने क्या किया है. बेसिकली आपके पास देखिए डेज क्या क्या है. आपके पास आज का दिन है, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 और 31st को तो आपका एग्जाम है जो आप बहुत अच्छा करने वाले हो. ठीक है गाइस, तो सबसे पहली चीज अब आपको करना क्या है आज से, बहुत ध्यान से सुन. 25th आज आपको पहला चैप्टर करना है, दैट इज योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप. ये चैप्टर आपको सबसे पहले करना है, ठीक है. और इससे रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा. सबसे पहले आपको ये चैप्टर करना है, 8 बजे तक आप आज इस चैप्टर को खत्म कर लीजिए, ठीक है. उसके बाद एक बहुत जबरदस्त वीडियो हम डालने वाले हैं जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कवर किए हैं. 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे. आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, चैप्टर्स करते हुए गाइस बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं. क्या कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है. चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर वो एंड में रिवीजन नहीं करता है तो वो भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाता है. तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हर एक चीज, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो प्रैक्टिकल, हर चीज करनी है. हर चीज करने के बाद आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एग्जाम में आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, और 8 बजे आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. फिर अगर आप आज लेट नाइट स्टडी कर सकते हो तो आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कर लीजिए. अगर नहीं कर सकते हैं, रिलैक्स कीजिए, सो जाइए. सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आपको करना है, ठीक है. और उसकी 10 बजे, सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, फिर आपको वो देखनी है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, वो करने के बाद 2 बजे तक एडमिशन को कंप्लीट करना है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर को. और फिर अगेन उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो आपको करनी है. फिर उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ साथ में नहीं है, रिटायरमेंट अलग डेथ अलग. रिटायरमेंट आपको 6 बजे तक कंप्लीट करना है, अगेन आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, 8 बजे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो डालने वाले हैं, उसको मिस नहीं करना है. आप देखोगे उसमें बहुत जबरदस्त एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है गाइस. उसके बाद नेक्स्ट डे ये हमारा 26 खत्म हो गया, अब हम आ रहे हैं 27. सबसे पहले आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर या लेट नाइट पिछले दिन आप कर सकते हो डेथ को कंप्लीट करना है, ठीक है. और 10 बजे अगेन उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको वीडियो देखने को मिलेगी जो आपको देखनी है. उसके बाद नेक्स्ट आपको 2 बजे तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसको खत्म करना है, उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी. वैसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जितनी भी वीडियोज मैंने बनाई है, ठीक है गाइस. उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है इश्यू ऑफ शेयर, इसको ध्यान रखिएगा. इश्यू ऑफ शेयर आपको हाफ करना है, हाफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 6 बजे उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी. 6 बजे तक आपका आधा चैप्टर हो भी जाएगा. फिर अगेन 8 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू उसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वो आपको देखनी है, बहुत जबरदस्त एमसीक्यू होंगे. उसके बाद वो दिन खत्म, 28th को अगेन अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर या पिछले दिन आप लेट नाइट पढ़ सकते हो. इश्यू ऑफ शेयर जो बाकी रह जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है, और सुबह 10 बजे उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी,
ठीक है गाइस। उसके बाद 28 को इश्यू ऑफ डिबेंचर आपको 2 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, और उसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको 2 बजे मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, थर्ड बुक का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ठीक है, उसकी जो वीडियो आएगी वो आपको कंप्लीट करना है 6 बजे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या क्या उसमें से पूछा जाएगा वो आपको मिलेगी, और अगेन 8 बजे रात को आपको इंपॉर्टेंट MCQ की वीडियो मिल जाएगी। ये आपका 28th खत्म हो गया। उसके बाद 29th मार्च को सुबह अगेन, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखिए 28th को एम्पल टाइम है, ठीक है, आप कैश फ्लो स्टार्ट कर सकते हो, और 29th को सुबह 10 बजे तक आपको कैश फ्लो खत्म करना है, और उसके 10 बजे उस दिन 29th को 10 बजे सुबह आपको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगेन रेशियो एनालिसिस आपको 2 बजे तक कंप्लीट करना है, और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएगी 2 बजे। और फाइनली हमारा 29 तारीख को, गाइज 29 तारीख को 2 बजे सारा का सारा सिलेबस, हर चीज, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो प्रैक्टिकल, आपकी बुक में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपने पढ़ी ना हो, एक बार जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। गाइस ये मत कीजिएगा कि मुझे ये आता है छोड़ दे, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ वही बच्चे मार खाते हैं, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है गाइस। अब मैं बात कर रहा हूँ, आप कहोगे सर 29th बाकी रह गया, 30 पूरा का पूरा दिन रह गया, इसमें आपने कुछ नहीं बताया। गाइस इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि हम रिवीजन केवल एक बार नहीं करेंगे, एक बार तो हो गई है, हमें 3 बार रिवीजन करनी है। अब वो 3 बार कैसे होगी वो मैं 29th और 30 के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज 29th को ही आपको बताने वाला हूं। उसके बाद आपकी सारी की सारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आप इजिली 80 मार्क्स ले पाएंगे। ये 29th को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात सुन लीजिए गाइस, सबसे पहली बात सैंपल पेपर, गाइस प्लीज सैंपल पेपर मत पिक कीजिए। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर करते हुए कई बार क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम क्या होते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं आता है। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप सबसे पहले जो चीजें आपको आती है, ये मेरी आप लोगों से पर्सनल एडवाइस है, जो आपको चीजें आती है सबसे पहले वो कीजिए। मान लीजिए आपके 10 चैप्टर्स है, एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 8 अच्छे से आते हैं, पहले 8 करो, पहले 2 मत करने बैठो जो नहीं आते हैं, क्योंकि क्या पता उसी में ही आपका सारा समय निकल जाए और 8 भी आपने नहीं पढ़े और आपका सब कुछ खत्म हो जाए। पहले आप वो कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, माइंड माई वर्ड्स, जो सबसे अच्छे से आता है पहले वो पिक कीजिए, उसको खत्म करो, ताकि आपके 8 चैप्टर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मुझे 8 आते हैं, 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 है फिर आप 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सैंपल पेपर पिक मत कीजिए भैया, जितना आपने आज तक पढ़ा है पहले उसको समेट लो, उसको अच्छे से कर लो, नई चीजों पर मत भागो। और दूसरी बात, जो आपने थ्रू आउट द ईयर बुक यूज की है, आपने कोई भी बुक ली है, चाहे वो डीके गोयल है, चाहे वो टीएस ग्रेवाल, कोई भी बुक है, किसी भी राइटर की बुक है, किसी भी सर की बुक है, तो आपने अगर वो की है थ्रू आउट द ईयर, पहले उसी में से कीजिए, न्यू बुक्स को मत उठाइए, क्योंकि न्यू बुक्स को उठाएंगे तो इट टेक्स टाइम, आता तो होगा आपको लेकिन टाइम लगेगा। पहले आप जो बुक में से कर चुके हो उसी को क्या कीजिए, उसी को ही उठाइए। तीसरी बात क्या होता है, जब हम पढ़ते चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ, आपने कंप्लीट किया, सेकंड पर आए, हमारी एक आदत होती है कि हम पीछे को अपने आप जो पीछे कर चुके हैं उसमें से अपने आप को चेक करते हैं, हमें आता है या नहीं आता है। उस समय क्या होता है, हम भूले होते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड पर आए, फर्स्ट चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं सेकंड करते हुए कि क्या फर्स्ट का वो टॉपिक मुझे आता है या नहीं आता है, उस समय हमें वो टॉपिक याद नहीं आता है। वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है उस समय भले आपको याद ना आए, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको हमेशा वो चीज याद रहेगी, कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है पीछे कि मुझे ये आता है या नहीं आता, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है गाइस। तो ये चीजें आपको ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, यूजली बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, जब आप चैप्टर्स करेंगे तो लिखकर जरूर कीजिए, जो प्रैक्टिकल है, मान लीजिए आप 80 के 80 नहीं कर सकते, 90 नहीं कर सकते, कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिकल करके देखिए। और एक लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको पता चलता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे पॉइंट्स हैं, उस पर सर्कल लगा लीजिए। मान लीजिए 80 में से आपने देखा 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे,
जिसमें सारी चीजें कवर हो रही है, उन 20 पर सर्कल लगा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट रिवीजन में आप केवल वही 20 क्वेश्चन करना, क्योंकि 80 क्वेश्चन करने का आपके पास समय नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और गाइज डेफिनेटली अगर आप तैयारी करते हो इस तरीके से 80 out of 80 आपके निश्चित होंगे, आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जैसे भी जो भी पेपर हुए हैं उनको छोड़ दीजिए, अब आपको अकाउंट्स की मेरे साथ तैयारी करनी है, मैं आपका साथ दूंगा, एंड तक साथ दूंगा एग्जाम के, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो और आपके आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए और अच्छे से कीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।